यदि आपने इंदिरा आवास योजना के लिए अप्लाई किया हुआ था, यानी पीएम आवास योजना के लिए इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके अब जो है पीएम आवास योजना रख दिया, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आपने यदि इसके लिए अप्लाई किया हुआ था तो आप सभी को बता दें, आप सभी का एक लिस्ट जारी कर दिया गया है। यदि आप सभी का इस लिस्ट में नाम होगा तो आप सभी को यहाँ पर अनुदान मिलेगा, यानी कि रुपया मिलेगा। देन आप सभी को आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप सभी पीएम आवास योजना का लिस्ट कैसे चेक करेंगे। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है पीटी कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं टेकोल स्मार्ट यूट्यूब चैनल। इस प्रकार का वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलता रहता है। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट 2022, और इस सूची को आपको डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए कैसे आपको करना है, कंप्लीट प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको सिंपली पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए इस प्रकार से आएंगे। जैसे आप पेज को नीचे इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर पीएम आवास योजना लिस्ट 2022 इंपॉर्टेंट लिंक लिखा हुआ मिलेगा। इस बॉक्स में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है पीएम आवास स्कीम लिस्ट, और यहाँ पर जो क्लिक हेयर का लिंक है आप इस पर क्लिक करेंगे। देन यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट के सामने क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रिडायरेक्ट होकर के आ जाएंगे। और जैसे ही आप यहां पर पीएम आवास स्कीम लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप यहां पर आ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको इसलिए इस वेबसाइट को सजेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको यहां पर जो लंबी चौड़ी किसी भी ईआरएल को लिखने की जरूरत नहीं मिलती है। ये इंडिया जॉब रिजल्ट .in का आर्टिकल आप ही के लिए है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके लिए आपको सर्च करना होगा, काफ़ी बड़ा ईआरएल है, इसलिए आप यहाँ पर आएंगे पीएम आवास स्कीम लिस्ट के सामने में क्लिकर पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जब आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन फिल्टर्स के सामने में आना है। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, देख रहे हैं जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उन सभी का लिस्ट यहाँ पर है। जैसे आप यहाँ पर अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में कुछ देर लोडिंग लेता है। देन उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं। उसके बाद में अपने यहाँ पर जो है अपने ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस ब्लॉक का देखना चाहते हैं। उसके बाद में अपना पंचायत का नाम भी इस प्रकार से आ जाएगा, जितने भी आपके पंचायत होंगे उसके बाद अपना पंचायत का नाम इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने किस वर्ष अप्लाई किया होता। मैं 2021-22 लेटेस्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में अपना यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर लेना है कि आप किसके लिए अप्लाई किए हुए थे। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपका रहता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। कैप्चा को सॉल्व करके सबमिट करेंगे, उसके बाद में आपके ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी उस पंचायत में लिस्ट में नाम होगा उन सभी लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बेनिफिशरी एंड फादर एंड स्पाउस नेम, यदि आप एक महिला होंगी तो आपका यहाँ पर पति का नाम होगा। देन आप यदि आप पुरुष होंगे तो आपके फादर्स का नेम यहाँ पर बगल में रहेगा, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में आपको इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ें मिल जाएंगी। प्रायोरिटी आप यहाँ पर कैटेगरीज आपने देख लेंगे, आपका यहाँ पर नरेगा जॉब कार्ड नंबर आपका यहाँ पर मिल जाएगा। देन उसके बाद में साइट अलॉटेड बाई गवर्नमेंट, मैं इस चीज़ को ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि किसी का भी मैं पर्सनल चीज़ों को यहाँ पर पब्लिकली शेयर करने वाला नहीं हूँ। इसी यहाँ पर आप देखेंगे हाउस स्टेटस, आपको यहाँ पर चेक करना होगा हाउस स्टेटस। तो यहाँ पर देख रहे हैं हाउस स्टेटस में कंप्लीटेड दिखा रहा है, और सेक्शन नंबर यहाँ पर है, देन सेक्शन नंबर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर सेक्शन अमाउंट आर एस यहाँ पर देख रहे हैं कितना इनको अमाउंट यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो 1,20,000 रुपये जो इनको प्राप्त हो चुका है, जो कि नंबर ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट में इनको यह मिला है पैसा। यहाँ पर लिस्ट में मात्र एक व्यक्ति का आ रहा है जिसका मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको चेक करेंगे। देन यदि आप यहाँ पर दूसरे यहाँ पर चेक करना चाहते हैं, उस प्रकार से आपने यहाँ पर प्रखंड यहाँ पर सिलेक्शन फीचर्स में आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में उसका पंचायत यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर लिस्ट में नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी देखा आ रहा है डाटा नॉट फाउंड, क्योंकि अभी जो है इस पंचायत में जो है किसी भी व्यक्ति ने पिछले वर्ष यहाँ पर इसके लिए अप्लाई नहीं किया होता ऑनलाइन, तो इसीलिए यहाँ पर डाटा नॉट फाउंड दिखा रहा है। ओके, तो यदि ये भी हो सकता है उसका हमें जितने जो मैंने पंचायत यहाँ पर सेलेक्ट किया उस पंचायत में सभी लोगों को यहाँ पर जो पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका होगा, ये भी हो सकता है इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि आपको डाटा नॉट फाउंड लिखा हुआ मिले तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। यदि आपका नाम इसमें नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन कर लीजिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा इसका लाभ। और इस प्रकार से जो है आपको बता दिया कि इस वीडियो में कि आप सभी कैसे पीएम आवास योजना में अपना नाम चेक करेंगे। यदि आपका यहाँ पर पेमेंट मिल चुका होगा तो आपका पेमेंट स्टेटमेंट भी दिखा देगा कि कितना पेमेंट आपको मिला है और कितने आपको इंस्टॉलमेंट के साथ में आपको पेमेंट मिला है। तो यही प्रक्रिया थी जो कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया है कि पीएम आवास योजना के लिए आप सभी लिस्ट में नाम अपना कैसे चेक करेंगे, अपना पेमेंट स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल बने हैं और इस प्रकार का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।